focuses on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech. भारत बचाओ जन आंदोलन आज से कांग्रेस ने शुरुआत कर दिया। आपको हम दिखा सकते हैं इंडियन यूथ कांग्रेस ने आज जो है सड़कों पर उतरे हैं। रसियाना रोड है दिल्ली का, हजारों की संख्या में यहाँ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है मौजूद हैं और इन्होंने जो है आज प्रदर्शन किया है। उनका यह कहना है कि जिस तरह से जो है भारत के अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, उस पर मोदी का बिल्कुल ध्यान नहीं है। आज ऐसा समय आ गया है कि भारत बचाओ जन आंदोलन करना पड़ा। वहीं आए हैं हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। आज आप यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, किन मांगों के लिए आप यहाँ प्रदर्शन करें? मोदी जी ने 2 करोड़ जो रोजगार देने का वादा किया था वो कतई पूरा नहीं किया, पर नोटबंदी के बाद उन्होंने जो रोजगार था जो कांग्रेस सरकार ने दिया था वो भी उन्होंने छीन लिया। ये गरीबों का इन्होंने अपमान किया है, उन्होंने ये बेरोजगारों का अपमान किया है, तो हमसे हम धोखा दिया है। हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे मोदी जी से, आप सीट खाली कर दीजिए। आज आप आए हैं प्रदर्शन करने के लिए, एक बार जन आक्रोश रैली हुई थी, आज भारत बचाओ जन ये मोदी और मोदी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन है, ये क्रांति है और देश में इस समय भुखमरी हाहाकार मचा हुआ है। मोदी जी को बताना चाहते हैं कि वो तुरंत इस सरकार को भंग करें और रिजाइन करके वो अपने घर वापस जाएं, क्योंकि वो पूर्ण तरह से देश को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। और आज किसान बेहाल है, आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी इतनी फैली हुई है बहुत ज़्यादा। आज आप भी आए हैं, शामिल हुए हैं प्रदर्शन में, क्या मांगे रहेंगी? अगर मांगे नहीं होगी तो ये जो आंदोलन है कितना आगे विशाल रूप लेगा? एक्चुअल में क्या है कि ये देश का लोकतंत्र खतरे में है, महंगाई चरम सीमा पे है, ये सरकार कुछ कर पा नहीं रही है, हर जगह खरीद परोक्त की राजनीति कर रही है। तो ये अगर यहीं तो नहीं रुका तो हम इसका आंदोलन पूरे देश में करेंगे युवा साथियों के साथ। इनका ये कहना है कि आज तो शुरुआत है, पहले राहुल ने जन आक्रोश रैली करी और आज जो है भारत बचाओ जन आंदोलन शुरू हो चुका है। आगे इनका ये कहना है कि अगर मोदी ने सख्त कदम नहीं उठाए तो ये जन आंदोलन एक और विशाल रूप लेगा और पूरे देश भर में ये आंदोलन किया जाएगा। कैमरामैन जितेंद्र के साथ रोहित शर्मा, 10 न्यूज़, दिल्ली।